खंडवा में शुक्रवार सुबह स्कूल जा रहे एक ऑटो को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। स्कूली बच्चों से भरे इस ऑटो के सभी बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। एक 8 वर्षीय स्कूली छात्रा की मौके पर ही कुचलने से मौत हो गई। इससे गुस्साए नागरिकों ने इंदौर खंडवा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। शुक्रवार सुबह खंडवा इंदौर मार्ग पर स्थित विद्या कुंज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों से भरा हुआ एक ऑटो स्कूल की ओर जा रहा था, तभी सामने की ओर से आ रहे एक बड़े कंटेनर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। घटना इतनी विभत्स थी कि एक 8 वर्षीय छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। एक बच्चे और ऑटो चालक को इंदौर रेफर कर दिया गया है। शेष बच्चों को जिला अस्पताल खंडवा में इलाज चल रहा है। शहर में विद्या कुंज स्कूल बच्चे जा रहे थे। कुछ बच्चे शनि मंदिर एरिया के थे, गुलमोर कॉलोनी के थे, घासपुरा के थे, जिसमें 7 बच्चे हैं जिनका उपचार जिला मुख्य चिकित्सालय में चल रहा है, जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई है। बहुत दुख का समय है, बहुत दुख की स्थिति है। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक लोडिंग ट्रक ने एक जो बच्चों का ऑटो था, स्कूल जा रहा था, उसको टक्कर मार दी थी। उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और आगे जांच जारी है कि किन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि एक्सीडेंट में चोटें आई बच्चों को और ये स्थिति बनी। कुछ 4-5 बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल में, सभी का ध्यान रखा जा रहा है, जल्दी ही उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की जांच करवाई जा रही है। घायलों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है।